टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड को बुरी तरह से पटकते हुए शानदार जीत दर्ज की है। सब जानते हैं कि टीम इंडिया की इस जीत में विराट की विराट पारी का सबसे बड़ा रोल था। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली भले ही इन दिनों अपनी करियर की बेस्ट फॉर्म में हो और कई दिग्गज क्रिकेटर उनकी तारीफ करते ना थक रहे हो, लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की सोच उनके लिए बिल्कुल अलग है। जिमी के नाम से मशहूर इस गेंदबाज ने विराट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर विराट की तकनीकी खामियां उजागर नहीं हो रही है तो उसका कारण मददगार भारतीय विकेट है, जिसमें स्पीड और मूवमेंट की कमी है। एंडरसन ने इंग्लैंड में 2014 में हुई सीरीज के दौरान विराट को काफी परेशान किया था, जहां वो ऑफसाइड से बाहर जाती गेंदों पर लगातार आउट हो रहे थे। मौजूदा सीरीज में हालांकि लगभग 700 रन बनाकर कोहली ने इंग्लैंड की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। ये पूछने पर कि विराट की तकनीक में क्या बदलाव आया है, एंडरसन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि विराट में बदलाव आया है। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि उसके अंदर जो तकनीकी खामियां हैं, वो यहाँ नजर नहीं आ रही है। विकेटों ने इसे समीकरण से बाहर कर दिया है। विकेट में इतनी स्पीड नहीं है कि गेंद बल्ले का किनारा ले, जैसा कि हमने इंग्लैंड में कुछ अधिक मूवमेंट के साथ उनके खिलाफ किया था। टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज एंडरसन ने चौथे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन के खेल के बाद कहा, जब स्पीड और मूवमेंट नहीं होते तो वो इस तरह के हालात में खेलने का आदी है। वो स्पिन का काफी अच्छा खिलाड़ी है, और अगर आप सटीक नहीं हो और मौके का फायदा नहीं उठाते तो वो आपको परेशान करेगा। इंग्लैंड ने चौथे दिन के खेल का अंत दूसरी पारी में 6 विकेट पर 182 रन के साथ किया था। एंडरसन ने हालांकि उम्मीद जताई थी कि इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर मैच के आखिरी दिन अच्छा प्रदर्शन करेगा और मेहमान टीम को शर्मनाक हार से बचाएगा। उन्होंने कहा था, हम फिर मैदान पर उतरेंगे और मैच में वापसी करने की कोशिश करेंगे। हम 50 रन से पीछे हैं। अगर हम सकारात्मक रवैये को जारी रखते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उन पर 100 रन की बढ़त नहीं बना सकते और गेंद से उन पर दबाव डाल सकते हैं। हालांकि एंडरसन की सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई और टीम इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।